गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 आवर इन्वायरमेंट का टॉपिक फूड वेब के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? फूड वेब। हम इसको पढ़ते हैं। इन नेचर सिंपल फूड चेन नेवर ऑपरेट्स। नेचर में मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो सिंपल फूड चेन रहती है वो कभी भी चलती नहीं है। रैदर अ नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। उसी के उपरांत बहुत सारी फूड चेन्स रहती है जो एक दूसरे से कैसी रहती है, इंटरकनेक्टेड मतलब जुड़ी हुई रहती है। दिस इज़ बिकॉज ग्रीन प्लांट आर ईटिंग बाय सेवरल प्लांट ईटर्स हर्बीवोरस। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, हरे जो पौधे रहते हैं, वो किसके द्वारा खाए जाते हैं? प्लांट ईटर मतलब जो पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर रहते हैं उनके द्वारा खाए जाते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? हर्वी बोरस। क्या बोलते हैं? हर्वी बोरस। देयर प्लांट ईटर्स आर इन टर्न ईटन बाय सेवरल एनिमल ईटर्स। और ऐसे प्लांट ईटर, ऐसे पौधे खाने वाले जो जानवर रहते हैं, जो क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। क्या कहलाते हैं वो? कार्निवोरस। इन द सेम वे, इसी प्रकार द एनिमल ईटर में भी ईटन बाय अदर एनिमल। इसी प्रकार जो जानवर खाने वाले जो जानवर रहते हैं वो अगर एनिमल ईटर में भी ईटन, और ऐसे जो जानवर खाने वाले जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, वो भी अगर वो ऑर्गेनिज्म को अगर कोई दूसरे जानवर खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। दस में फूड चेन गेट लिंक टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसी प्रकार ये जो फूड चेन है, फूड वेव है या फूड चेन है, ये एक दूसरे से लिंक है, तो वो क्या कहलाता है? फूड वेव बनाता है। ऐसी फूड चेन जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है वो क्या बनाती है? फूड वेव बनाती है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ? प्लांट था, ठीक है। ये फूड वेव का बच्चे से समझो, प्लांट था। प्लांट को किसने खाया? एक तो ग्रास ऑफर ने खाया और स्नेल ने खाया। किसने खाया? ग्रास ऑफर ने खाया और स्नेल ने खाया। अब ग्रास ऑफर जो था उसको किसने खाया? लिजार्ड ने। किसने खाया? लिजार्ड ने। और इधर जो स्नेल था वो उसको किसने खा लिया? बर्ड को। बर्ड ने खा लिया। किसने खा लिया? बर्ड ने खा लिया। फिर उसके बाद इसी लिजार्ड को कौन ने खा लिया? ये फैल्कन ने खा लिया। किसने? फैल्कन ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? ग्रास ऑफर को बर्ड ने भी खाया। बर्ड ने क्या? स्नेल भी खाया और ग्रास ऑफर भी खाया। फिर स्नेल को कौन खा गया? स्नेक खा गया। और लास्ट में स्नेक को किसने खा लिया? फैल्कन ने खा लिया। किसने? फैल्कन ने खा लिया। इसी प्रकार ये जो फूड वेब है ये ऐसी चलती है। रिलेशनशिप बिटवीन फूड चेन एंड पॉपुलेशन। अब फूड चेन और पॉपुलेशन के रिलेशन क्या है? एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ न मेम्बर ऑफ फूड चेन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द अदर मेम्बर ऑफ द फूड चेन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और जो फूड चेन के मेंबर है वो भी क्या करते हैं? जनसंख्या बढ़ने पर और उससे क्या होता है? फूड चेन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन गिवन कम्युनिटी। गिवन कम्युनिटी मतलब दी हुई जो पॉपुलेशन है आपको, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस विल इंक्रीज व्हेन देयर आर मोर आंट अवेलेबल एज फूड्स। क्या होता है आजकल के जो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस है वो कैसी है? बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर क्या है? प्लांट्स अवेलेबल है फूड के लिए। एज द हर्बीवोरस इंक्रीज इन अ नंबर मोर प्लांट आर ईटन अप। इसी प्रकार जो हर्बीवोरस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है वो खाने के लिए उपयोगी बनते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद देयर मे नॉट बी इनफ प्लांट फूड फॉर द एनिमल। कुछ समय बाद क्या होगा? कोई भी जो प्लांट है, पौधे हैं, वो जानवरों के खाने के लिए नहीं बचेंगे। व्हेन दिस हैपन मैनी ऑफ द हर्बीवोरस विल डाई और मूव अवे फ्रॉम द एरिया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बहुत सारे जो हर्बीवोरस है वो क्या होंगे? मर जाएंगे या फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे। देन द प्लांट हैव चांस टू ग्रो एंड इंक्रीज इन अ नंबर। इसी प्रकार प्लांट को क्या है? चांस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्या हो? ग्रो हो। एज अ रिजल्ट वी से दैट द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट वाइस वर्सा। इसी के उपरांत हम क्या देखते हैं इसका परिणाम कि जो हर्बीवोरस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंड मतलब आश्रित रहते हैं। आप डायग्राम देख लीजिए एक बार। सम कार्निवोरस, मोस्ट हर्बीवोरस, फिर इसके बाद सम हर्बीवोरस, मोस्ट सम कार्निवोरस,
मोस्ट कार्निवोरस, हर्बीवोरस। सम प्लांट में क्या रहते हैं, कुछ हर्बीवोरस रहते हैं, कुछ कैसे रहते हैं, दोनों ही हर्बीवोरस रहते हैं। मोर फूड अवेलेबल, इसमें मोर फूड अवेलेबल रहता है, मोर फूड ईटन, ज़्यादा खाना खाया जाता है। लेस फूड अवेलेबल, तो अगर कम खाना रहेगा तो खाएंगे भी कम ही। क्या रहता है इस डायग्राम में आप देखो, अगर ज़्यादा कार्निवोरस होंगे या कम ज़्यादा कार्निवोरस होंगे तो क्या करेंगे, और ज़्यादा हर्बीवोरस होंगे तो वो क्या करेंगे। ठीक है सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में समझाएंगे। अगर आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप इसको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का वो छूट गया है तो वो भी आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसके पहले वाले चैप्टर की कॉपी चेक करवाने आपको स्कूल में आना है।